एक बार एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने क्लास ली, पर ये क्लास और क्लास से अलग थी। उन्होंने अपनी क्लास स्टार्ट की, पर कुछ अलग तरीके से ही। उन्होंने अपने पर्स से 2000 रुपए का नोट निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि किस किस को ये 2000 रुपए चाहिए। जैसा होना चाहिए था, सभी ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए, क्योंकि सभी को वो नोट चाहिए ही था। इसके बाद प्रोफेसर ने उस नोट को उठाया और उसको आधा फोल्ड करके वापस वहीं पर रख दिया। फिर उस प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, अब किस किस को ये नोट चाहिए? अगेन सभी बच्चों ने अपने हाथ उठा लिए। इस बार उस प्रोफेसर ने दोबारा उस नोट को हाथों से उठा लिया, पर इस बार उन्होंने उस नोट को हाथों से तोड़ा मरोड़ा और एक बॉल जैसा बनाकर वापस उसे टेबल पर रख दिया और फिर से कहा, अब किस किस को ये नोट चाहिए? पर हैरानी की बात थी, अब भी सभी को वो नोट चाहिए था, तो सभी ने अपना हाथ हवा में उठा लिया। और इसके बाद आखिर में उस प्रोफेसर ने उस नोट को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसे खूब अच्छी तरह से पैरों से मचला और कहा कि अब तो इसे कोई छूना भी नहीं चाहेगा। पर हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। तब भी सभी बच्चों ने उस 2000 रुपए को रखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इसके बाद प्रोफेसर ने जवाब दिया कि आज तुमने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा लेसन सीखा है। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मैंने उस नोट की कंडीशन चाहे कितनी भी खराब कर दी हो, तब भी तुम सबको वो चाहिए ही था, क्योंकि उस नोट की तब भी वही वैल्यू थी जो कंडीशन खराब होने से पहले थी। उसी तरह आपकी लाइफ चाहे आपको कितना भी तोड़े मरोड़े या कुचल भी दे, आपकी वैल्यू तब भी ही सेम रहती है जैसे आप पहले थे। आपकी वैल्यू कभी भी कपड़ों के प्राइस, बैंक बैलेंस या आपके जॉब टाइटल पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि इस चीज पर डिपेंड होती है कि आप रोजाना आपके अंदर की डेवलपमेंट ला रहे हो या नहीं। 2009 में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कोई हायर तक नहीं करना चाहता था, जबकि उनके पास 12 साल याहू में काम करने का एक्सपीरियंस भी था, तब भी उन्हें हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ लग रहा था। फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों में उन्हें जॉब तक नहीं मिली, पर हार मानने की जगह उन्होंने अपने कुछ पुराने याहू मेंबर्स के साथ बातचीत करके एक ऐप बनाने की पहल कर दी। उन्होंने अपना सारा फोकस उठाकर उस ऐप पर डाल दिया और 5 साल के अंदर ही उन्होंने उस ऐप को $19 बिलियन में फेसबुक को बेचा। और यकीन मानो, वो और कोई नहीं बल्कि खुद ब्रायन ही थे। जी हाँ, को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। और जानते हो उनका जवाब क्या था? फेसबुक ने मुझे ना चुनकर मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लिंक को कुछ अच्छे लोगों के साथ बनाकर लाइफ में एक नया एडवेंचर फेस कर सकूं। ऐसा सिर्फ सक्सेसफुल लोगों का ही एटीट्यूड होता है, जो इतनी बड़ी कंपनी से रिजेक्शन होने के बाद भी इतना अच्छा कमबैक लेकर इस दुनिया को चौंका देते हैं, जो दुनिया को केवल चमत्कार जैसा ही लगता है। एक औरत जो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार थी, उनकी शादी टूट चुकी थी और जॉबलेस होने के साथ साथ उनके बच्चों की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर थी। एक तरह से देखे तो उनकी जिंदगी खत्म हो ही चुकी थी। एक दिन वो एक रेल यात्रा से मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी और अचानक एक आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने एक बुक लिखना स्टार्ट कर दिया और बड़ी ही सक्सेसफुली तरीके से उन्होंने उस बुक को कंप्लीट भी कर दिया। पर उनका स्ट्रगल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। कंप्लीट होने के बाद भी इस बुक ने 12 पब्लिशरों से रिजेक्शन फेस किया। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, पर वो और कोई नहीं बल्कि खुद जेके रोलिंग थी, जिन्होंने इस दुनिया को हैरी पॉटर जैसी बुक से परिचित कराया, जिनके एक आइडिया ने इस दुनिया को इतनी अच्छी सीरीज दी। दोस्तों, पर इस सक्सेस के आइडिया को उन्होंने एक झटके से नहीं पाया। इस एक आइडिया को पाने के लिए उन्होंने कितने साल मेहनत की और इस सालों की मेहनत के बाद ही वो एक अच्छी राइटर बन पाई। और वो इंसान जिसने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया था और उनकी फर्स्ट कंपनी का डेमो किसी ने भी पसंद नहीं किया और उसे फेल कर दिया, उन्होंने एक नाम बना लिया। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। और वो कोई और नहीं बल्कि खुद बिल गेट्स ही हैं।
दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि फेलियर सक्सेस का ही एक साइन होता है और हमें अपने विजन के स्कोप को बढ़ाना होगा। हमें खुद को इस प्रेजेंट लेवल से उठाकर उस अपर लेवल तक ले जाना ही होगा और याद रखना होगा कि फेलियर बस फेलियर नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम उस फेलियर से कुछ भी सीख लेते हैं उस दिन वो फेलियर भी एक लेसन बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और साथ ही में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपने जरूरी सुझाव जरूर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाएं।